अलहमदुल्ला बहुत खुश हूँ। सबसे अच्छा ये लगा कि जब से उमरा करके आया हूँ तो लाइफ हैज़ चेंज अलॉट अलहमदुल्ला। एंड इफ्तार पार्टी की आप लोगों के साथ ही शुरुआत की थी आज। तो बिग फोर है, किताब है मेरा गाना जो अगले महीने रिलीज़ हो रहा है इंशाल्लाह। देन देर इज़ तंद्री, एक शॉर्ट फिल्म है डायरेक्टेड बाय शुभम माथुरकर। देन देर इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड ठहर जा। तो हम लोग 2019 से ठहरे हुए हैं टू डू आर नेक्स्ट सॉन्ग एंड फाइनली वी आर हियर टू डू दिस एंड इट्स सॉन्ग बाय बेनी दयाल। इट्स हिज फर्स्ट नॉन फिल्म सॉन्ग। इट्स बीन अ लॉन्ग ना सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। तो बेनी दयाल का पहला नॉन फिल्म म्यूजिक एल्बम है और प्रीतम दादा की जो कंपनी है जैमेट उसने उनके साथ कोलेबोरेट किया म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। मुदस्सर खान साहब डायरेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं और सना डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें, बिकॉज सना अल्हम्दुलिल्लाह ने जो ऐसे यहाँ से ऐसे जंप मारी है तो अभी वो सोच रहे थे कि क्या दिया जाए इनको इतना स्पेशल। तो ये सॉन्ग मेरे लिए बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ यू नो बजट से लेकर यू नो इंडिपेंडेंट सॉन्ग के हिसाब से। तो आई थिंक आई लव माई फ्रेंड्स एंड आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विद दैम, आई कीप वॉन्ट टू वर्क विद दैम। सो या एंड देन देर इज़ कोहिनूर। कोहिनूर मेरी पहली वेब सीरीज़ एज अ प्रोड्यूसर। साथ में मेरे हैं करण सिंह चौहान जो उसको को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एलिगेंट फिल्म प्रोडक्शन है मयूरी जी, श्रेयस गावंडी प्रोडक्शन टीम में। तो हाँ ये सब है, दिस इज द बिग फोर मेरे लिए। तो कोविड भी तो था बीच में। तो वो असल में ऐसे हुआ कि आप जगह जगह बनाने के लिए वक्त तो लगता है बड़े भाई, तो वही हुआ। कुछ कुछ लोग जल्दी बना लेते हैं, हमको थोड़ा वक्त लग गया बिकॉज म्यूज़िक के माध्यम से अगर आप चल रहे हो ना तो मैं शफल नहीं हो रहा। सना बखूबी जानते हैं कि मैं बहुत सारे कामों में इंडल्ज नहीं होता हूँ, मुझे वन स्टेप एट अ टाइम ज़्यादा पसंद है। एंड यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी आल्सो, सो वी मेक श्योर कि वो स्लो करे बट एट द सेम टाइम जब कुछ आए तो बहुत बढ़िया चीज़ निकल कर आए। एब्सोल्युटली। सो इट्स मोर अबाउट क्वालिटी फॉर हिम देन क्वांटिटी। यस डेफिनेटली। आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वालिटी ऑफ अशर। थैंक यू। तो बस यही है। और चूँकि आपको यू नो एज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट व्हेन आई यूज टू सेल्फ प्रोड्यूस माय सॉन्ग्स, यू नो फंडर्स मुझे नहीं रहते थे तो आई यूज टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और ये मेरा 10वां गाना है ठहर जा, इट्स माय 10th सॉन्ग। तो आई थिंक ये जर्नी अच्छी रही, 5 साल 10 गाने, आई थिंक वो फिटूस हो गया बराबर मामला। शूटिंग अभी हम करेंगे। अभी हमने शूटिंग की ये तो हमने सोचा कि आपके सामने बैठ के हम अनाउंसमेंट करेंगे कि ये गाने का टाइटल है, ये हीरोइन है, ये डायरेक्टर है। तो उस लिहाज से एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि अशर के साथ जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, फर्स्ट फ्यू सॉन्ग्स में से मेरा पहला सॉन्ग मोहब्बत था अशर का, अब तक वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। और जब ऐसी टीम रहती है उसके बाद तो क्या ही बोलूँ, उसने इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई की मेरी, इतना मुझे मोटिवेट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलसल बहुत काम करते आई हूँ। सो फर्स्टली थैंक यू अशर, सबके सामने मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि जब एक लाइन कोई बोलता है ना कि यार सना तू स्टार है, वो अशर ने मुझे स्टार्ट में बोल दिया ना, एक बस। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फिर से मेरा लकी चार्म के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और शूटिंग के हवाले से जब हम नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे रिलीज के दौरान तब हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जरूर 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 जरूर। एंड नो बट दिस इज ए लकी चाम की चाम कुछ नहीं है, इस बच्ची की मेहनत है। राइट फ्रॉम द डे वन आपको एक एसेंस आ जाता है एक आर्टिस्ट के अंदर और इतनी मेहनती रही है हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा चल रहा है बट ये गोवा में शूट कर रहे हैं, कभी कहीं शूट कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, फ्लाइट में रास्ते में खाना खा रहे हैं। तो आई थिंक वो डेडिकेशन ऊपर वाला भी देख रहा है और 2 times नेशनल अवार्ड विनर यार, मतलब इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। तो हमारे लिए माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है कि हमारी दोस्त इतने आगे बढ़ी और हमारी ये खुशकिस्मती है कि वापस हमसे जुड़ रही है, साथ में बढ़ेंगे दोस्त इंशाल्लाह। वी आर शूटिंग इट नेक्स्ट मंथ, ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह हम प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, एज पर अभी तक हमारा जो प्लान रहा है डायरेक्टर साहब के साथ, चूँकि हमारी भी खोज जारी है कि सना के साथ हम किसको ले इस गाने में, कौन सा चेहरा ले, क्योंकि मुझे तो डांस नहीं आता है। इसके पहले आप पूछे तो मैं बता दूँ, इट्स अ डांस नंबर, इट्स अ रोमांटिक डांस नंबर और मैं बड़ा ही वाहियात डांस करता हूँ। तो मैं जी तो मैं उनके साथ एक 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 सरप्राइज़ है गाने के अंदर इंशाल्लाह वो बताऊँगा, बट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि आप लोगों ने ही मोटिवेट किया था मेरे पहले गाने को, जो मेरा पहला गाना था सहर। ऑल दिस पीपल आई थिंक मैं हमेशा मीडिया को क्रेडिट देता हूँ कि इन लोगों के अशर भाई आप क्यों नहीं गाना कर रहे हो, वसीम भाई एंड लाइक अशर तुम करो, तो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट सॉन्ग वी डिड टुगेदर। तो गिफ्ट
गिफ्ट गिफ्ट यही है सबसे खूबसूरत गिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह. सो स्वीट. जी शूटिंग इसका मुंबई में है. चूँकि गाने का जो वाइब है बहुत फ्रेश है अभी तक, मतलब सना ने भी जब सुना और वेरी अर्बन वेरी मॉडर्न, सो आई थिंक मुंबई विल बी अ वेरी गुड लोकेशन. यस यस डेफिनेटली. और जब अभी रिसेंटली मुदस्सर भाई के साथ जब मैंने गाना शेयर किया तो उनका भी है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कॉपीड ना लगे. थोड़ा वक्त लग जाता है गाना बनाने में, बट थोड़ा कॉपीड ना लगे उस लिहाज से बनाता हूँ. तो थोड़ा अर्बन है, थोड़ा यू नो मॉडर्न टच है गाने के अंदर. और प्रीतम दादा की टीम है तो उन्होंने बहुत बाकमाल काम किया है. एना रहमान ने, शुभम शिरोले ने, काव्य कृति ने इसका फीमेल वोकल दिया. और बैनी दयाल साहब का मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद उन्होंने जस्ट वन कॉल पे उन्होंने मेरा गाना सुना. और वो लंदन से आए और लंदन से उन्होंने लैंड किया मुंबई में और उनको भयंकर जेटलैग हुआ था. वो डायरेक्टली स्टूडियो आके रिकॉर्ड किया था. आई थिंक दैट्स द एग्जांपल ऑफ हाउ अ बिग स्टार और अ बिग आर्टिस्ट शुड बी. वन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड वन इज सिंगिंग द सॉन्ग एंड वन इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा इज डायरेक्टिंग इट. आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस. जी तो शॉर्ट फिल्म जो है तंदरी, ये मेरे मित्र है शुभम माथुरकर साहब जो एक बहुत ही बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट है, राइटर है. तो मेरे होम टाउन से ही अमरावती से तो हम काफ़ी जानते हैं एक दूसरे को. इन्होंने रिसेंटली डिवाइन जो रैपर है इनके म्यूज़िक कंपनी में दो म्यूज़िक एल्बम्स भी डायरेक्ट करे 100 RBH के लिए. तो ये फिल्म जब मैंने उन्होंने मुझे दिखाई पिछले साल एंडिंग में तो मैंने उनको तभी प्रॉमिस किया था कि यार ये मैं ही रिलीज़ करूँगा. तो उस वक्त तो ये फेस्टिवल्स में थी. अब फाइनली उन्होंने मुझे मौका दिया कि अशर भाई अभी नाउ वी वॉन्ट टू टेक इट फॉरवर्ड. तो तंदरी इट्स अ साइकोलॉजिकल ड्रामा है. लॉकडाउन के दौरान शूट करी गई थी तो मराठी है. तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम एज अ महाराष्ट्रियन रीजनल्स को भी आगे बढ़ाएं, नॉट जस्ट हिंदी मराठी को भी हम आगे बढ़ाएं. तो उस लिहाज से और कोहिनूर जो है एक क्राइम ड्रामा है बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज. तो उसके बारे में इसलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं बोल सकता क्योंकि अभी वी आर ऑन अ राइटिंग स्टेज. और बट हाँ वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि बड़ी चीज़ बनने को थोड़ा वक्त लगता है तो बट साल के आखिर तक इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह. वो तो उन पर डिपेंड है, डेट्स मिल गई तो कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे हम. हम 1.5 साल के बाद मिल रहे हैं, 1 साल के बाद मिल रहे हैं तकरीबन 1 साल. यस यस यस. वी ओनली मेड एट फैमिली डिनर्स. आई गो टू मीट माई डियरेस्ट आंटी जी, अम्मी जी हियर एंड अंकल जी एंड शी इज जस्ट देयर के हां यू कम एंड ईट एंड गो. इन शॉर्ट वी आर फैमिली. या तो ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह. सो बट वी वांटेड टू शूट बट वो एक हो जाता है ना कि बीपराग साहब हो गए, शेरीमान साहब हो गए, इतने जिनको हम यू नो देखते हैं और इंस्पायर होते हैं उनके साथ जब कंटिन्यूसली काम करें. तो आप भी ये सोचते हो ना कि एज अ फ्रेंड यू वॉन्ट टू गिव समथिंग बेटर. तो बस उसी बेटर का इंतजार था ना. इंशाल्लाह विल डू इट ना. किताब तैयार है, किताब अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट प्रोडक्शन में है. किताब पोस्ट रिलीज़ मैं कर रहा हूँ, ईद के तुरंत बाद उसको रिलीज़ कर रहा हूँ मैं. और बाय द टाइम किताब की रिलीजिंग की तैयारी शुरू होंगी विल डू द प्री प्रोडक्शन फॉर तहरजा. और साथ ही साथ कोहिनूर के 3 एपिसोड्स भी हो चुके हैं, तंदरी भी आ रही है. तो मतलब सब एक के पीछे एक है. आप दुआ करें कि इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाए. थैंक यू. शुक्रिया. इनकी ज़िंदगी का पहला बर्थडे है मेरे साथ, तो बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि आज यहाँ पर बर्थडे भी हो गया और साथ में इफ्तार पार्टी भी हो गई. तो मज़ा आया बहुत और कुछ लोग लेट भी हो गए और बहुत अच्छा लगा. और मुझे नहीं पता था कि आज ये इतना बड़ा लॉन्च की हम बात भी करने वाले हैं. और मैं इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा और बैठो ना यार खूबसूरत सा एक सॉन्ग है जो हम अभी करने वाले हैं. और वो सॉन्ग हमने सुना, उसके ऊपर हम काफ़ी खूबसूरत सा एक कॉन्सेप्ट और एक प्लान हम बना रहे हैं. और मतलब आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कुछ अलग ट्राई करते हैं हमेशा करने का, कुछ अलग नई तरीके का कॉन्सेप्ट, नई तरीके की चीज़, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कुछ नयापन की. तो उसी के लिए हम लोग गाने को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हैं और बस अभी कुछ ही दिन में हम शूट करने वाले हैं. एंड बस दुआ करें कि सब अच्छे से हो जाए और बहुत आगे बढ़े, बस यही हमारी दुआ है. थैंक यू भाई. डांसिंग तो मैं इनसे करवाई लूँगा. डांसिंग में हड्डियाँ तोड़ने आता है मुझे. बेशक 100%. ठहर जा एक सॉन्ग है
और वो उसमें ऐसा है कि ठहर जा नाम है गाने का, लेकिन उसमें ठहरना नहीं है, उसमें बस नाचना है, उसमें रुकना नहीं है, उसमें ठहरना नहीं है। मतलब वो बहुत ही अच्छा म्यूजिकल मेलोडी है, फ्रेश है बहुत ज़्यादा। एक होता है ना, एक ऐसे कूल कूल सॉन्ग होता है, तो अब जब ठहर जा सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक कूल वाइब, गाने की कूल वाइब है और एक नयापन है, और बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन भी ये कर रहे हैं। अभी मैं नाम लेना मुझे लगता है सही नहीं होगा, बट यही आपको बाद में बताएंगे बहुत जल्द। सो एक अच्छी बड़ी कोलैबोरेशन के साथ हम उसको, वी आर कमिंग विद इट, एंड आई होप कि सभी को पसंद आए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप सभी लोगों का साथ होगा तो आई थिंक इट विल बी फैबुलस। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और अभी हमने इफ्तार भी साथ में खोला है, सो इट वाज रियली नाइस, एंड फॉर हिज फोर लाइक द बिग फोर, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। इट लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग, नाम भी बहुत खूबसूरत है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है जितने टाइटल्स हैं, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत अच्छा कुछ आए, हमें बहुत अच्छा कुछ देखने को मिले। थैंक यू। अर्शद भाई, योम पैदाइश की ढेर सारी दुआएं, कामयाबी छूते रहो, इसी तरह से बुलंदियों पे जाते रहो, खुश रहो, और जितनी भी दुआएं हैं दिलों की मेरे अंदर से ढेर सारी 100 times, 1000 times होके तुम्हारे पास आ रही है, मुस्कुराते रहो, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहो आप, और जो भी आपके बिग फोर हैं जो कि आज आपने अनाउंस किए हैं, मेरी ढेर सारी दुआएँ सबके साथ में, और प्लीज़ ऑडियंस आप भी जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इनको हैप्पी बर्थडे कहने से अच्छा है इनके काम के लिए दुआएं दे दें, क्योंकि जब इंसान का काम चलता है ना तो उसकी दिल में उसकी जिंदगी में तो सबसे मेन खुशियां वही होती है कि इंसान काम करे और वो काम ऑडियंस तक पहुंचे और ऑडियंस को पसंद भी आए। तो बस यार, अभी इस वक्त मैं आपको ढेर सारी दुआएँ ही दूँगा, उसके बाद कुछ नहीं करूँगा। थैंक यू। इन लोगों को इनके साथ ही शुरू किया था, और इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग विद सलमान भाई द अदर डे दैट आई टोल्ड हिम दैट आई टेक्सटेड श्वेता मैम टू कम फॉर पार्टी, एंड देन आई वाज लाइक के ओके आई इनवाइटेड हर फॉर द सॉन्ग लॉन्च फॉर माय कैसेट, एंड देन वी मेट एट द झूठा सॉन्ग लॉन्च, एंड देन आई मीटिंग टुडे, सो आई थिंक द सर्कल इज कमिंग, यू नो, बार बार घूम के, तो डेफिनेटली श्वेता मैम के साथ करेंगे कुछ बहुत जल्दी। इनफैक्ट मैंने उनसे कुछ उस दिन कहा भी है कि वी आर डेफिनेटली प्लानिंग फॉर समथिंग, नॉट जस्ट फॉर अ सॉन्ग सॉन्ग, बट फॉर अ, यू नो, बिकॉज बिफोर इवन मीटिंग सलमान भाई और श्वेता मैम, आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ अ हैदराबादी फिल्म, एंड ओके दैट्स वन फिल्म आई डोंट टॉक अबाउट, बट आई लव इट, एंड देयर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु लव इट, स्पेशली इन द बेरार डिस्ट्रिक्ट एरिया वेयर in the Maharashtra area where these people come from, and it's a huge industry. I think there was a time when my uncle Tanveer Ghazi Saab wanted to, you know, me to write some songs for the same team. Okay. But yeah, that was the first time I saw you. But and you have changed a lot, mashallah. Yes. A lot. And the way you have pushed yourself into a different kind of Actually, that time I didn't even wanted to be an actress. Yeah. I was studying and I got an offer. It was a holiday for Dubai. I said I'm going. Yeah. So that's how that happens. So, yeah, we are definitely doing it. और सलमान भाई के साथ तो पूरी दुनिया जानती है कि एक्टर्स और आर्टिस्ट के लाइफ में उनके गर्लफ्रेंड्स के चर्चा होते हैं, मेरे लाइफ में सलमान शेख की चर्चा होती है कि अगर तुम एक पार्टी में नहीं गए तो झगड़ा हो गया, कि अगर तुम एक साथ में कोई गाना नहीं कर रहे हो तो आई यू गाइज नॉट टुगेदर। तो आई थिंक अलहमदुल्ला आई टू ऑलवेज ऑफन सी दिस की इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट इन बॉम्बे, माई फैमिली, माई ब्रदर एंड ब्रोमांस चिल्ड्रन। जी हाँ, आज दिल्ली वाला दिल भी रिलीज हुई है, उसके पीछे हमने बहुत सारी मेहनत की थी, हमारे एक दो आर्टिस्ट और हैं, देव शर्मा मेरे भाई, वो आज यहाँ पे नहीं है, काश वो होते। दूसरी हमारी सेकंड हीरोइन नीति शर्मा, वो भी आज यहाँ नहीं है, तो हम चारों लोगों ने उसमें एक्टिंग की है, और दिल्ली वाला दिल जो कि हंगामा पे आप लोगों को देखने को मिल सकती है, प्लीज़ जाइए देखिए, आपको बहुत मजा आएगा उसे देखने में, फ्रेंडशिप है, प्यार है, राइवलरी है, सब कुछ है, बॉलीवुड है वो, मतलब अच्छा मसाला, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, लवली, थैंक यू सो मच। सतलज भाई, सतलज राज साहब, राज इंदौरी साहब के बेटे हैं, बहुत कमाल के राइटर है, वन ऑफ द फेमस पोएट्स ऑफ इंडिया, कोहिनूर की स्टोरी लिख रहे हैं, डायलॉग्स लिख रहे हैं,
शुभम तंदरी फिल्म के डायरेक्टर है जो शॉर्ट फिल्म है और कोहिनूर के अंदर स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कर रहे हैं। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। आए हाय हाय दोस्तों, ये जो वैसे तो मैं साहित्य और लिटरेचर से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, शायरी मेरे रगों में है, और ये जो कोहिनूर की बात हुई OTT पे जो फिल्म बहुत अच्छी आने वाली है, एक वेब सीरीज़, दरअसल इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो मध्य प्रदेश और मालवा की सरजमीन है और वहाँ की कहानी है। जो एक 21 साल का लड़का है जो बहुत यंग है और एक वो एक गैंगस्टर बन जाता है और उसको पूरा समाज पूरा यूथ फॉलो करने लगता है। उस पर बेस्ड मूवी है। चूँकि मैं साहित्य और शायरी से जुड़ा हूँ और हमारे प्रोड्यूसर साहब चाहते थे कि इसमें एक फ्लेवर साहित्य का भी हो, एक अदब का भी हो, तो मैंने भी अपने मुशायरे और कवि सम्मेलन को थोड़ा साइड लाइन करके इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दिया है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इसमें शायरी को भी ये यूज़ करने की हमने कोशिश की है कि उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे हों जो बेहतरीन साहित्य और शायरी को भी प्रमोट करें। काश मिल जाता कभी कोई अपने पन से कहीं, मेरा स्वागत हुआ चाकू से कहीं गन से कहीं। तो इस तरह के वहाँ पे संवाद और इस तरह के जुमले हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जिसको सुन के जो सामईन है, जो ऑडियंस है, वो एक तरह से साहित्य की तरफ और अदब की तरफ भी थोड़ा सा रजू हो, बस ये कोशिश है। अभी तो रिसर्च ही चालू है उसके ऊपर, बाकी तो सतलज साहब के साथ रह रहे के सीख रहा हूँ जो भी है साहित्य के बारे में। और तंदरी के बारे में बताना चाहूँगा कि उस पर जो लॉकडाउन के टाइम पे जो कंडीशन आई थी आर्टिस्ट पे कि वो दो दुविधा में फंसा हुआ था कि उसको आर्टिस्ट मारना है या जगा के रखना है, तो वो दुविधा सॉल्व करने वाली शॉर्ट फिल्म तो अभी फेस्टिवल में जाके आ चुकी है, फिलहाल हम रिलीज कर रहे हैं उस चीज़। Thank you.